बच्चे लोग, अब हम क्लास 11th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट 7 का। क्या पढ़ने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं सबसे पहले रेडॉक्स मतलब होता क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। देखिए, रेडॉक्स में रेड मतलब क्या होता है? रेड मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और ओ एक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रेड मतलब रिडक्शन होता है, ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इस चैप्टर में अपन इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छा कोड दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन होता है। और केमिस्ट्री इसेंशियली स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और केमिस्ट्री में अपन रिडॉक्स रिएक्शन का इसेंशियल स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन आ जाते हैं कहाँ पे? ऑक्सीडेशन पे। पहले क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन। आप लोग को पता होगा कि एटमोसफेयर में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है किस फॉर्म में होता है? डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में। डाई ऑक्सीजन मतलब O2 के फॉर्म में होता है, O के फॉर्म में नहीं मिलेगा। किस फॉर्म मिलेगा? O2 के फॉर्म मिलेगा। और इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 20% होता है, ठीक है, 20% होता है, ठीक है। पहले 21 हुआ करता था, लेकिन अब 20% हो गया। धीरे धीरे कमी हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, 78% मिलता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ही पढ़ना है। ऑक्सीडेशन देखिए, यहाँ पे दिया है, एक रिएक्शन दिया है। फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें से एक डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीजन का ऐड होना सीधा सीधा ऑक्सीडेशन कहला देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इन दोनों में ऑक्सीजन ऐड हुए तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं, आगे देखते हैं, और भी कई सारे डेफिनेशन है। अभी यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा गया। रिएक्शन रिएक्शन 7.1 एंड 7.2 द एलिमेंट मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीडाइज ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा था, देखे थे अपन। सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब नीचे मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। CH4 क्या होता है बच्चे लोग? मीथेन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका CO2 एंड H2O बन गया है। ये इस चीज़ को अपन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मीथेन मीथेन इथेन एल्केन एल्कीन एल्काइन को, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, और भी चीज़ें होती है ऑक्सीडेशन में, केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ही नहीं होता। केयरफुल एग्जामिनेशन 7.3 मतलब ऊपर वाला रिएक्शन, इन विच हाइड्रोजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, प्रॉम्प्टेड साइंटिस्ट टू रीइंट्रेट। अब इसको रीइंट्रेट ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब एक अलग डेफिनेशन ये आया कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है ही, लेकिन हाइड्रोजन के निकलने को भी, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखते हैं, देयर फॉर द स्कोप ऑफ द टर्म ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रॉडन। इसलिए इसको स्कोप को ब्रॉड कर दिया गया टू इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इन अदर रिएक्शन वेयर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी साइटेड ऑन द ऑक्सीडेशन। अब देखो, अगला रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। कैसे? देखते हैं, H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इस H2S से देख सकते हो, यहाँ से सल्फर बना, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वाटर बना दिया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वाटर बना लिया, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और भी देखते हैं, कई सारे डेफिनेशन आगे मिलेंगे अपन को। एज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट ग्रुप इट वॉज नेचुरल टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर द सिमिलर। अब जो 7.1 से 7.4 तक देखा गया, केवल इतना ही नहीं होता ऑक्सीडेशन, इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। देखते हैं, विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो, केवल ऑक्सीजन के जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं होता, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भी जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोग को पता होगा कौन होते हैं? वैसे एलिमेंट होते हैं जो आसानी से क्या ले सके? इलेक्ट्रॉन को ले सके, इलेक्ट्रॉन को ले सके, गेन कर सके जो आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़ाया जाएगा अलग से टॉपिक, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विद। अब ये देखो, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ग्रुप 17 ग्रुप 16 ये सारे एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन क्या होता है? ग्रुप 17, क्लोरीन ग्रुप 17, सल्फर ग्रुप 16 का होता है, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सीधा सीधा मैग्नीशियम में क्या जुड़ा? फ्लोरीन जुड़ा, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। क्लोरीन जुड़ा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। सल्फर जुड़ा तो मैग्नीशियम सल्फाइड बना। ये सब भी क्या कहलाएंगे? हमारे ऑक्सीडेशन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, और भी रिएक्शन, और भी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के, बहुत सारे डेफिनेशन। अब देखते हैं अगला क्या है। इनकॉर्पोरेटिंग द रिएक्शन। अब 7.5 7.7 विद इन द फोल्ड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनकरेज केमिस्ट टू कंसिडर नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन बट ऑल्सो रिमूवल ऑफ अब यहाँ पे केवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सके, देगा, ठीक है, देंगे, ठीक है, देना तब होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, इस केमिकल का नाम क्या है? पोटेशियम
फेरोसाइनाइड से फेरिसाइनाइड, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और यहाँ पे फेरिसाइनाइड बन रहा है, ठीक है। इज इंटरप्रिटेटेड एज ए ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम रिमूव हो रहा है, यहाँ पे चार पोटेशियम थे यहाँ तीन हो गया, एक इधर आ गया, रिमूव हो रहा है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, एक टाइप का ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन का एक सा डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। ऑक्सीडेशन डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब चार चीज़ें दी हुई है, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या तो ऐड कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, या तो रिमूव कर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, ये चार चीज़ को मिला के ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बोला जाए, इलेक्ट्रॉन्स टर्म में बोला जाए, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक। तो इतना है हमारा ऑक्सीडेशन की वीडियो में, अगले वीडियो में अपन रिडक्शन की वीडियो में समझते हैं और उसमें भी समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कैसे होता है। धन्यवाद।